नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ पर। नवरात्रि का सातवां दिन, आज माँ कालरात्रि का पूजन, जानिए कथा, पूजा विधि, आराधना मंत्र और प्रिय भोग। आज नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व तीन नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्भ गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, मंत्र व प्रिय भोग। माँ कालरात्रि कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वन्य शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि आराधना मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कालरात्रि माता की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नानादि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी।